आप समझते हैं कि आपकी और खान साहब की नाराजगी की वजह भी यही बातें बनी जो आप उनको मशवरे देते थे? जी यही बनी, बल्कि डिसाइसिव मोमेंट्स आ गए थे एक वक्त में आके हमारे। अच्छा। जबकि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने करीब कर लिया और पार्टी वर्चुअली उनके हाथ में पकड़ा दी, जिनमें दो बहुत प्रोमिनेंट लोग जो थे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान थे, जिनके बारे में उनको कहता था कि हर पार्टी में आते जाते रहे हैं, ये मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, ये उससे पहले नून लीग में भी रहे हैं, काफ लीग में भी हो गए, इनका कोई पता नहीं। ये इसी तरह बाकी भी सारे ऑलमोस्ट सब पार्टीज घूम फिर के आ रहे थे, घूम फिर के ही आए थे बहुत सारे, लेकिन इन्होंने बड़ी ज़्यादा प्लानिंग से कैप्चर किया था पार्टी को। ठीक है, वैसे इससे पहले पैसे की वजह से, पैसा इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए। बताएं तो ज़्यादा लोगों को ये बात मशहूर की गई कि ये जो थे ना सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली तो फ़ायदा ज़्यादा खुद उठा रहे थे। अच्छा। तो हमारे लिए एक अफसोसनाक एलिमेंट, लेकिन जहाँ हमारा मेरा और खान साहब का इख्तलाफ हुआ, ये लोग ये कहते थे मुझे दूर करने के लिए, ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब को दूर करने के लिए, कि इस किस्म के जो आइडलिस्ट होते हैं ये इस मुल्क में कभी इख्तदार की सीढ़ी नहीं बनते, इख्तदार की सीढ़ी तो हम आपको दिखाएंगे, इनसे आप दूर हो जाएं, ये आपको आइडलिज्म में ही फंसाते रहेंगे, आपके पहले ही 20 साल गुजर गए हैं, उम्र आपकी बढ़ रही है, तो क्या फ़ायदा। अच्छा, तो आपको हम रास्ता दिखा देंगे और वहाँ कैसे पहुँचाने के लिए पहुँचते हैं। तो मेरा कहना ये था कि देखिए फ़ायदा तभी होगा अगर हम आइडियल्स पे चलते हुए वहाँ पहुँचें, वरना तो फिर हम डीएल हो जाएंगे, जिस तरह और पार्टियाँ हैं उसको जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती करके फ़र्क कर देगी हमें। तो मेरा जो पाकिस्तान की तारीख का तजर्बा या मुतालिया है वो ये कहता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। बहरहाल उनकी बात ज़्यादा कन्विंसिंग लगी कि नहीं ठीक है, अब जो इख्तदार में ना पहुंच सके तो क्या फ़ायदा। बल्कि मेरी एक उनसे काफ़ी लंबी बहस भी हुई कि मैंने कहा कि क्यों आप समझौते कर रहे हैं उसूलों पर, जिन उसूलों पर हमें पार्टी बनाई, उसूलों से वो कहने लगे कि देखें जब हम कभी इख्तदार हासिल करेंगे तो हम कोई खिदमत कर सकेंगे लोगों की। अच्छा। ये उनकी जेन्युइन थॉट था, मैंने मतलब वो बिल्कुल जेन्युइनली और बिल्कुल दिल से समझते थे कि अगर मैं इख्तदार में आ गया तो मैं बहुत से कौम की खिदमत कर सकता करूँगा। मैंने कहा लेकिन तारीख ने कुछ और साबित किया है, जब आप वो अंग्रेजी में कहते हैं ना एंड्स डोंट जस्टिफाई मींस, तो आप अगर मंजिल जो है उस पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपने सड़क गलत ले ली तो मंजिल पर तो नहीं पहुँचेंगे।